नमस्कार किसान भाइयों, ये हमने सीड मंगवाया है BNR का। ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा एड्रेस कल ही पहुँचा है। और ये आप देख सकते हैं, ये पपाया सीड है अमीना, ये इसका बैच नंबर है, वैरायटी है, और ये कितने पीस है। और ये हमारा स्पीड पोस्ट का वो है, ये देखिए आप। अब इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, खोलेंगे कैसे पैकेट निकलते हैं, क्योंकि पहली बार ही मंगवाया हमने भी। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आप हमारी वीडियो देखते रहें। हम आपको बीज की ओपनिंग करके दिखा रहे हैं। ये देखिए निकल गया है माल। देखिए जी, इसमें बिल निकला है शर्मा फार्मिंग सॉल्यूशन। ये देखिए जी, हमारा सीड आ गया है, ट्रुथफुल लेबल। ये 1 ग्राम का पैकेट है, 10 ग्राम में नहीं मिला था, इसलिए हमने 20 पैकेट मंगवाए हैं। ये अमीना के हाइब्रिड वैरायटी है, ये भी आपका रेड लेडी की तरह है, जो आपका ये आप देख रहे हैं, जैसे कि वो भी उभयलिंगी होता है। गिन लेते हैं ना, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18 और 20, ये 20 पैकेट हैं अमीना के। हम इनको 24 घंटे के लिए भिगोएंगे। ये जो आप देख रहे हैं पपीते की वैरायटी, ये अच्छी क्वालिटी है। अगर किसी को चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हैं बीज किसी भी वैरायटी का। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी वैरायटी का बीज चाहिए, दिखाएंगे कि किस तरीके का सीड है। हालांकि BNR ये भारत की कंपनी है, विदेशी कंपनी नहीं है। हम इसको पहली बार ही लगा रहे हैं, पर बीज थोड़ा रेड लेडी से मोटा लग रहा है मुझे, देख रहे हैं। तो ये बीज हमारा निकल गया है, पर इसका कलर थोड़ा डिफरेंट सा है, मतलब जैसा नॉर्मली होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा रेड लेड निकलता है। तो ये ट्रीटेड नहीं होगा, ये हमें ट्रीट करना पड़ेगा। फिलहाल इसे हम भिगो देते हैं। चौबीस घंटे के लिए तो ये भीग जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा भीग गया है, अब इसको हम रख देते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।